हेलो गाइस, मेरी नई वीडियो में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है वो हम सेंट पीटर्सबर्ग में जो सबसे पुरानी मस्जिद है उसके बारे में बताएंगे। ये मस्जिद जो है 1910 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, जो कि 25वीं एनिवर्सरी थी अब्दुल अहद खान, जो कि बुखारा शरीफ में थे उस टाइम की रिजीम के हिसाब से। और इसकी जो ओपनिंग थी वो 1913 में नमाजियों के लिए कर दी गई थी। इस मस्जिद की जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 39 मीटर्स, और इसमें दो मीनार हैं, उन दो मीनार्स की हाइट जो है वो है 49 मीटर्स। आगे इसके बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट। अच्छा गाइस, सो इस मस्जिद के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो ये हैं कि उस टाइम 1910 में मुसलमानों की तादाद जो थी वो 8000 से ज़्यादा थी सेंट पीटर्सबर्ग में, तो इसके लिए उन्हें एक मस्जिद की ज़रूरत पड़ी। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस टाइम के तमाम मुसलमानों को ये मस्जिद अकोमोडेट कर सकती थी, तो सारे मुसलमान जितने भी थे वो यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ सकते थे। इस मस्जिद में दो फ्लोर्स थे, पहला फ्लोर जो था वो मर्दों के लिए बनाया गया था और दूसरा फ्लोर वहाँ की ख़वातीन के लिए बनाया गया था जो उस टाइम नमाज़ अदा कर सकती थी। अच्छा, मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा एंट्रेंस, ये इस मस्जिद की सबसे पुरानी एंट्रेंस थी जो अब बंद कर दी गई है। और 1940 से लेके 1956 तक सोवियत गवर्नमेंट की जब हुकूमत थी उन्होंने इस मस्जिद पे नमाज के लिए पाबंदी लगा दी थी। और कुछ अरसे के लिए इसको, जब इनके पास वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो इसको एज अ हॉस्पिटल भी यूज़ किया गया मरीज़ों का इलाज करने के लिए। तो 1940 से 1956 तक ये नमाजियों के लिए बंद थी, और उसके बाद इसकी एक और एंट्रेंस बनाई गई जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। सो लेट्स गो। अच्छा, मेरे पीछे जो आपको मस्जिद के साथ रोड दिख रही है पूरा यहाँ से, और इसके भी पीछे, जब हमारी ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा का टाइम होता है तो ये रोड जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, और यहाँ से लेके और पीछे तक नमाजी ही होते हैं, क्योंकि मस्जिद में इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये रोड जो है फेस्टिवल के टाइम बंद कर दिया जाता है और यहाँ सिर्फ आपको नमाजी मिलते हैं। अच्छा, 1956 में जब इस मस्जिद को खोला गया तो इसकी दूसरी एक नई एंट्रेंस दी गई जो कि मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, और उस टाइम से लेके आज तक इसी एंट्रेंस को यूज़ किया जाता है। नमाजी जो हैं वो इस एंट्रेंस को अब यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये थी हमारी आज की वीडियो मस्जिद के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इसी तरह की और भी वीडियोज अभी आएंगी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे, तो देखते रहें। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।